का हमारे हाईलाइट कर रहा है चैप्टर नंबर 2 को बैंक के, और यहां हम इस चैप्टर के अंदर बैंकिंग सिस्टम और उसकी काइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये चैप्टर डाइवर्ट हो जाएगा बैंकिंग की काइंड्स के ऊपर, यानी बैंकिंग प्रैक्टिसेस की काइंड्स के ऊपर। जब हम बैंकिंग प्रैक्टिसेस की काइंड की बात कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे सिस्टम पे सिर्फ हमारे पास ये बात समझ में आती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है उस बैंकिंग सिस्टम को हम सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग कहते हैं, और इसके अलावा यूनिटरी बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग और मुख्तलिफ सिस्टम दुनिया के अंदर भी राइज होते हैं। हम जिस सिस्टम के इम्पैक्ट में बात कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, और इसका पूरा इम्पैक्ट पाकिस्तान का बैंकिंग का निज़ाम है। जो पाकिस्तान के बैंकिंग का निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एज पर द कैपिटल ऑफ ओनर और एज पर द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट। हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के अतबार से हमारा बैंक बाय फंक्शंस में डिवाइड हो गया, क्योंकि पूरी इकोनॉमी के रन ओवर के लिए हमें इस चीज को कंसीडर करना था कि इकोनॉमिक नीड क्या है और बैंक के टास्क असाइन किए जाए। बैंकिंग टास्क जो असाइन किया गया उसकी कंपेरेबिलिटी में हमने बैंक को डिवाइड कर दिया गया फर्दर 7 काइंड्स में। कितनी काइंड्स में? 7 काइंड्स में। और वो 7 काइंड्स में इंक्लूड है हमारे पास सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, सेविंग बैंक, मॉर्गेज बैंक। वर्ड मॉर्गेज पे मैं जाहिर ही फोकस करवाना चाहूंगा कि जो वर्ड मॉर्गेज है वो बुनियादी तौर पे रहन के मायनों में आता है और गिरवी के मायनों में नहीं आता। हम इसके बाद इस पे बात करेंगे आइंदा वाले चैप्टरों में। और शुमार करते हैं जनाब, हमारे बैंक की पहली नीड मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसके लिए जो बैंक डेवलप हुआ है उसका नाम, और जो बिजनेस और कॉमर्स के लिए डेवलप किया है बैंक उसका नाम। ज़रात की सरगर्मी पाकिस्तान के 60% से ज्यादा आबादी करती है और उसके लिए जो बैंक हमने डेवलप किया उसका नाम एग्रीकल्चर। इसी तरह सनत की जो ज़रात के आउटपुट है उन सनत की डेवलपमेंट के लिए जो बैंक हमारे पास डेवलप हुआ है उसका नाम है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक के बाद मुल्क के अंदर जो सेविंग को इंकरेज कराने के लिए जो हमने बैंक डेवलप किया है उसका नाम है मॉर्गेज, यानी प्रॉपर्टी जो अक्वायर कर दी जाती है, मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो चीज वो जगह से जो तब्दील नहीं होती ऐसी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स को मॉर्गेज करके फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं एक बैंक की तरफ से, हम ऐसे बैंक को कंसीडर करते हैं मॉर्गेज बैंक। और खास तौर पे कह रहे हैं कि इसका नाम गिरवी नहीं, इसका नाम रहन है। इज दैट क्लियर? हमारा फिर प्रोस्पेक्टिव डेवलप होता है और हम ये कहते हैं जनाब कि बैंक हमारे पास एक्सचेंज बैंक भी है जो कि बाय फंक्शन क्लासिफाई हो रहा है। क्या क्लासिफाई हो रहा है? बाय फंक्शन। और बाय फंक्शन हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक्सचेंज बैंक तक यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है विद इन द लोकल डिस्ट्रिक्ट्स और द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री। हमारे प्रोस्पेक्टिव में हमारा बाय ओनरशिप का बैंक एज पर टू द कैपिटल मींस, जैसे हमारे पास प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, पार्टनरशिप बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टैट्यूटरी बैंक, चार्टर्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक डाइवर्ट किए जाते हैं। जिसकी मुराद में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी बैंकिंग का निज़ाम डेवलप हो रहा है वो बैंकिंग का निज़ाम बैंकिंग ओनरशिप की रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी और उसके साथ फंक्शन को एक्यूमुलेट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हबीब बैंक, बैंक हबीब प्राइवेट लिमिटेड, हबीब बैंक पाकिस्तान मीन्स हबीब HBL लिमिटेड, मीन्स कोई नाम नहीं है किसी प्राइवेट ओनर का, किसी प्राइवेट शेयर का। इसका मकसद ये बैंक पब्लिक भी बन सकता है, पब्लिक है बैंक, या बुनियादी तौर पे हम कह रहे हैं बैंक का अभी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मकसद वो प्राइवेट ओनर्स की एक प्राइवेट कंपनी है और जिस हैसियत से वो काम कर रही है वो कमर्शियल है। इज दैट क्लियर? हमारे प्रोस्पेक्टिव में हमारे पास और भी मुख्तलिफ बैंकिंग की ओनरशिप आ जाती है, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये हमारे पास क्लासिफाई हो रहा है एज अ नेशनलाइज्ड बैंक। कैसा बैंक है? नेशनलाइज्ड बैंक। इसको स्टैट्यूटरी ने डेवलप किया, स्टैच्यू ने डेवलप किया, ये इसके एसेंस में डेवलप होता जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको फर्दर जब टॉपिक की टॉपिक वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करेंगे तो